नमस्ते दोस्तों, मेरी किचन की दुनिया देसी फ्लेवर्स बाई आरुषि में आपका स्वागत है। आज मैं चिकन 65 की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि मैं बिल्कुल से एकदम से रेस्टोरेंट स्टाइल के बनाने वाली हूँ। तो रेसिपी ध्यान से देखिएगा, ये बहुत डिलीशियस बनेगी और बहुत जल्दी बन जाएगी। तो रेसिपी देखने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए हमें चाहिए चिकन। इसको बनाने के लिए हमें चिकन का ब्रेस्ट पीस चाहिए, जिसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में कटवा लीजिए। इसके बाद से इसमें हमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर और यहाँ पे एक चम्मच हमें अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए। तो एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ले लेने के बाद से इसमें हमें थोड़ा सा दही ऐड करना है। दही बहुत ज़रूरी है, दही तो ज़रूर से ऐड कीजिए। उसके बाद से हमें क्या करना है, सभी के साथ हमें चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब ये पूरी तरीके से अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें हमें एग वाइट डालना है। तो इस तरीके से आप अंडे तोड़िए और सिर्फ वाइट वाले पोर्शन को इसमें यूज कीजिए। ध्यान से इस तरीके से अंडे को तोड़ के हल्का हल्का वाइट वाला इसका पार्ट्स को इस चिकन के ऊपर डाल देंगे और येलो वाले पार्ट को हम क्या करेंगे, निकाल के साइड में रख देंगे। तो एग योक डालने के बाद से हमें क्या करना है, इसमें कुछ चीज़ें और ज़्यादा ऐड करनी है। वो क्या है तो चलिए मैं बता देती हूँ। इसमें हमें चाहिए यहाँ पे, ये देखिए एग वाइट अच्छे से मिक्स हो गया है। तो इसमें अब चलिए हम यहाँ पे लेंगे एक चम्मच कॉर्नफ्लावर और एक चम्मच हमें यहाँ पे चावल का आटा चाहिए। तो चावल का आटा और ये देखिए कॉर्नफ्लावर डालने के बाद से हमें इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे जो जो चीज़ें मैंने बताई है आप ज़रूर से यूज कीजिएगा। ये इसी तरीके से चिकन 65 बनाई जाती है, जो कि बिल्कुल से रेस्टोरेंट के स्टाइल में बनेगी। तो सभी को मिक्स कर लेने के बाद से ऊपर से हमें हल्का सा धनिया का पत्ता डाल देना है, इससे टेस्ट और बढ़ जाएगा। यहाँ पे हमें धनिया पत्ता को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मैंने क्या किया है, सभी चीज़ों के साथ चिकन को मिक्स कर लिया। अब चलिए हम गैस के पास चलते हैं। तो गैस पे मैंने पहले ही तेल गरम कर लिया है। तेल जब अच्छे से गरम हो जाए तो फ्लेम को लो कर देंगे और इस तरीके से चिकन को एक एक करके इसमें डाल के हम अच्छे से फ्राई करेंगे। मीडियम टू लो, लो टू मीडियम पर पहले फ्राई करें, उसके उतारने से पहले हम थोड़ा सा इसको डीप फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक एक करके चिकन डाल दिया है। थोड़ी थोड़ी देर बाद से आप क्या कीजिएगा, इस तरीके से चिकन को उलट के आप दोनों साइड में अच्छे से पका लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर तक पकाया। मीडियम फ्लेम पे पकाने के बाद से मैंने इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम पे कर दिया। इससे क्या होगा कि और ज़्यादा क्रंची और कुरकुरा हो जाएगा। ये रहा, मैंने सभी को अच्छे से ये देखिए एकदम से फ्राई कर लिया है। इस तरीके से रेड रेड जब हो जाए तो आप इसे निकाल के अलग से साइड में रख लीजिएगा। ये रहा कुरकुरा सा चिकन एकदम से बन के तैयार हो चुका है। इसके बाद से जो बचे हैं उनको को भी हमें क्या करना है, इसी तरीके से डाल डाल के आप इसी तरीके से डीप फ्राई कर लीजिएगा। तो बस इसको फ्राई कर लेने के बाद से हमें एक चीज़ और करना है। क्या करना है चलिए मैं बता देती हूँ। हमें एक पैन के अंदर तेल ले लेना है। तेल में एकदम से बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लहसुन डाल दिया, साथ में हम मिर्च डालेंगे और लहसुन और मिर्च डालने के बाद से इसे हम अच्छे से थोड़ी देर पकाएं। थोड़ी देर पूरे हो जाने के बाद से इसमें हम यहाँ पे करी पत्ता का यूज करें। तो करी पत्ता डाल देने के बाद से करी पत्ता को हम हल्का सा पकाएं, एकदम से समझ लीजिए कि 30 सेकेंड से हमको इसको पकाना है। उसके बाद से हम चिकन को इसमें ऐड कर देंगे। तो ये रहा हमारा चिकन 65 बन के रेडी हो चुका है। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही यम्मी सी रेसिपी है। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक बार घर पे भी चिकन 65 बना के देखिए, सभी को बहुत पसंद आएगा। बहुत यम्मी लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। बच्चे बूढ़े सभी इसको स्नैक्स बोलिए, स्टार्टर्स बोलिए, उसके रूप में उनको दीजिएगा, उन्हें बहुत पसंद आया। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा वीडियो शेयर कीजिए। तो मैं तो चली खाने, मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये रहा यम्मी यम्मी टेस्टी चिकन 65। बाय बाय।